सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह। दोस्तों, जो आज की वीडियो है एक अलग मुद्दे पर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे टाइम से कि भाई क्या सऊदी अरब से कनाडा मूव हो सकते हैं। गुरजीत भाई, मैं सिर्फ सऊदी अरब इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे मूव होना है कनाडा। हमारे रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, वो कहते हैं किसी गल्फ कंट्री का आप एक्सपीरियंस ले लो और उसके बाद आप कनाडा बड़ी आसानी से आ सकते हो। मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया है लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लगा, लेकिन मेरे को पता लगा कि गल्फ के थ्रू हम कनाडा जा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी ऐसे सवाल हैं जो बहुत टाइम से आ रहे थे, तो मैंने कोशिश करी है आज की वीडियो में बताने की, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो अभी तक मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अभी तक मैं ही नहीं जब कनाडा गया हूँ तो मैं इसके ऊपर वीडियो कैसे बनाऊँ। लेकिन फिर भी आप सब लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने जो है अपने भाई दोस्त रिश्तेदार जो कनाडा में हैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल कर ये वीडियो बनाई है। अगर जिन लोगों को बिल्कुल भी ABC नहीं मालूम कि किस तरीके से गल्फ में आके आगे कनाडा निकल सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सऊदी अरब से कनाडा जा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो डायरेक्ट कनाडा जा सकें, या फिर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट जा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी गल्फ से कनाडा मूव होना चाहता है उसकी कम से कम एजुकेशन 12th होनी चाहिए, उसके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और इंडिया का हैवी लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने सऊदी अरब के लिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अप्लाई करना है। पहले आपका गमका में टेस्ट होगा, उसके बाद आप एजेंट आपका वीज़ा लगा के देगा, आपका वीज़ा लगेगा, उसके बाद आप सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब में अब होता क्या है कि अधिकतर कंपनी क्या करती है, आपका हैवी ड्राइविंग में टेस्ट हुआ, आपने हैवी ड्राइवर का आपका वीज़ा लगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कंपनी के पास छोटी गाड़ी होती है, जैसे डायना, या जैसे यहाँ पे इंडिया में टाटा 407 है, छोटा ट्रक होता है, तो वो चलाने को दे देती है। तो दोस्तों, आपने वो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपने ट्रेलर ही चलाना है वहाँ जाकर। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है दोस्तों, आपने करना क्या, ट्रेलर चलाना है। और जब आपके 1.5-2 साल कंप्लीट हो जाएं, छुट्टी आने पर आपने क्या करना है, आपने आईलेट्स करनी है जर्नल, जिसमें आपके कम से कम 4.5-5 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जर्नल GT में आपने आईलेट्स का टेस्ट करना है। आईलेट्स क्या होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यानी आप किस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं उसका एक टेस्ट होता है। इसकी आप हल्की फुल्की तैयारी करके, या जो बंदा 12th पास है उसको आराम से 5 बैंड 5.5 बैंड आ जाते हैं जर्नल में, ठीक है दोस्तों। फिर आप जब वापस छुट्टी जाओगे अपनी कंपनी में, तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो क्या लगाने हैं, एक तो अपनी कंपनी से आपने एक्सपीरियंस बनवाना है अपना 2 साल का, करंट में ऑन जॉब कि अभी मैं प्रेजेंटली ट्रेलर ड्राइवर हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी अगर सैलरी अकाउंट में आती है तो आप अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हो, अगर कैश मिलती है तो आपको अपनी कंपनी से जो सैलरी स्लिप है वो लेनी होती है, जिससे पता लग सके आपकी महीने की सैलरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लाइसेंस होता है उसकी एक NOC निकलती है, मरूर से NOC निकालनी है, और उसके बाद PCC भी करवानी है आपने अपनी। आप वहाँ से 2 साल आप वहाँ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आपने अपनी PCC भी निकलवानी है। और दोस्तों, जो आपका इकामा है उसकी आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश में करा के, जैसे इंडिया में नोटरी करवाते हैं वैसे ही वहाँ पर आपने करवाना है। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगते हैं। फिर उसके बाद आपके 12th की जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, और आईलेट्स, ये आपके सब डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। अब अप्लाई करना है। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका जो अधिकतर लोग करते हैं, किसी एजेंट या किसी एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, वो एजेंसी आपका सारा प्रोसेस करा के देगी, आपको वीज़ा लेके देगी, आपको कनाडा में पहुँचाएगी। उन एजेंसियों के कॉन्टैक्ट कनाडा में होते हैं, वो लीमा प्रोवाइड आपको लीमा प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका तो ये है कि आप किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू लाएं। दूसरा तरीका है कि आप खुद एम्प्लॉय ढूंढें ऑनलाइन, जो मैंने आपको वेबसाइट ऑनलाइन, आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे Indeed.ca पर आप कर सकते हैं, या Monster.ca, या एक Kachichi.com है जो कनाडा वेबसाइट है, और आप कनाडा इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई वहाँ पर एम्प्लॉयर यानी डायरेक्ट ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपको जॉब दे रही है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपके जो पैसे हैं वो भी बहुत कम लगते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में जॉब में आते हैं तो आप रियाद में आएँ, क्योंकि रियाद में कैनेडियन एम्बेसी है, रियाद कैपिटल है, बड़ी सिटी है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट PCC
या जो भी डॉक्यूमेंट जितने भी बनने हैं एनओसी वगैरह वो सब बहुत आसानी से वहाँ बन सकती है। तो दोस्तों इन फ्यूचर अगर मैं भी कनाडा या किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूँ, अगर कनाडा के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं भी इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करूँगा। ये प्रोसेस मैंने दो चार लोगों से फ़ोन पे बात करके बहुत जगह सर्च करने के बाद आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लोग कनाडा, अमेरिका या कहीं पे भी बाहर रहते हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके नए लोगों की मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई जानकारी किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली गजब वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल के लिए दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली गजब वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त गुरजीत सिंह। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार।